तो आज मैं बात करूंगा कुछ न्यूज़ अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली हमें डेडलाइन के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि स्टीवन को कास्ट किया है मार्वल स्टूडियोज़ ने थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए, और फैंस लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये हमें दिख सकते हैं सेंट्री के रोल में। बट पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें ये सेंट्री के रोल में दिखाई दे। बात करते हैं नेक्स्ट रूमर के बारे में। तो रूमर ये है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में हमें टॉम हॉलैंड दिखाई देगा, यानी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। लेकिन रूमर ये है कि लाइव एक्शन वाला, नॉट एनिमेटेड वाला। अब बात करते हैं स्कारलेट विच के बारे में। तो रिसेंटली एलिजाबेथ ओल्सन एक इवेंट पे गई थी, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी एवेंजर्स नहीं हरा सकते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। और इसी के साथ उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि उनका जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड में है और ब्राइट फ्यूचर है उनके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हमें वो कहाँ पे दिखाई देती है और कब दिखाई देती है। बात करते हैं शैंग-ची के बारे में। तो सिमु लियू ने टीज़ ये किया है कि शैंग-ची हमें बहुत जल्द दिखाई देगा, सूनर देन यू थिंक, उन्होंने ऐसा कहा। और अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका के बारे में। तो एंथनी मैकी ने रिवील ये किया कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें नहीं लगता है कि स्टीव रॉजर मर चुका है, उनके अकॉर्डिंग स्टीव जिंदा है। तो देखते हैं कि स्टीव जिंदा है या नहीं है कैप्टन अमेरिका 4 या फिर एवेंजर्स की कैंग डायनेस्टी में हमें पता चल जाएगा, यानी कि वो जो मून वाला जोक था उसे मेंशन किया जाएगा आगे चल के। तो लेट्स सी किस तरीके से बताते हैं। और अब बात करते हैं एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी के बारे में। तो रिसेंटली जो स्क्रीन राइटर है जेफ, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि हमें नेमोर दिखाई देगा एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। उन्होंने कहा कि आई एम एक्साइटेड टू राइट नेमोर। और इसी के साथ अब बात करते हैं एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी के बारे में ही। तो रिसेंटली जेफ ने ये कहा है कि जो लोग ब्लड थर्स्टी फैन है उन लोगों के लिए कैंग एकदम मस्त दिखने वाला है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, यानी कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में हमें बहुत सारी डेथ दिखने वाली है। हो सकता है कि थॉर को कैंग मार दे, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं उनके अकॉर्डिंग जो फैंस चाहते थे, मतलब जिस तरीके का कैंग दिखना चाहते हैं फैंस, वो हमें दिखाई देगा एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, एकदम ब्लड वगैरह सब ऐसे सब उन्होंने कहा है। तो लेट्स सी कि वो जो कह रहे हैं वैसा होता है या नहीं होता है, उनके कहने का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से लोग कह तो देते हैं बट कुछ आगे चल के अलग हो जाता है, तो वेट करना बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी न्यूज़ अपडेट्स एंड रूमर्स अच्छे लगे होंगे। आप लोग कमेंट करो जो भी मैंने कहा है उसके बारे में, अगर आप लोगों को करना है तो कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो।